स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2022 अंक गणित संख्या पद्धति भाग दो। पढ़ेंगे यौगिक संख्या, जैसे यौगिक संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। वे सभी संख्याएं, ध्यान रखिएगा मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक से बड़ी, एक नहीं, एक यौगिक संख्या नहीं है, एक से बड़ी जो भी संख्याएं हैं, जो ऋण नहीं है, ऋण नहीं है, वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, यौगिक संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए ऋण नहीं है मतलब कि अगर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, एक लिख दिए, दो लिख दिए, तीन लिख दिए, चार लिख दिए, पांच लिख दिए, ठीक है ना, और छः, सात, ठीक है, आठ, इस तरीके से जाएगा, और नौ, ठीक है ना। अब दस भी लिख सकते हैं, ग्यारह बारह, ये चलता रहेगा, ठीक है, डॉट डॉट। अब देखिए इसमें बोला हूँ मैं कि वो यौगिक संख्याएं सभी हैं, एक को छोड़कर, एक तो पहले ही हटा दीजिए, ठीक है ना, एक पहले क्या हो गया, हट गया। और दूसरा बोला है कि जो ऋण नहीं हो, मतलब कि ऋण नहीं हो, तो ये ऋण नहीं है, ये ऋण है, ठीक है ना, दो क्या हमारा ऋण है, और ये भी क्या है ऋण है, मतलब कि अभाज्य है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगी, दोनों हट जाएंगी। तो यौगिक संख्या कहाँ से आ गया, चार से, चार यौगिक संख्या में आ जाएगी। पांच भी क्या है ऋण है, तो ये भी हट जाएगा। छह भी आ जाएगा आपका यौगिक संख्या में। सात क्या है ऋण है, ये भी हट जाएगा। लेकिन आपका आठ क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक संख्या में आ जाएगा। नौ भी यौगिक संख्या में आएगा क्योंकि ऋण नहीं है। फिर दस भी आपका यौगिक संख्या में आएगा। ग्यारह नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये सभी संख्याएं, समझ लीजिए, जो अभाज्य नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, जो अभाज्य नहीं है, वे सारी सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, यौगिक, मतलब कि यौगिक संख्याएं हो जाएंगी। जैसे अब संख्या में हो सकता है चार हो सकता है, छः हो सकता है, आठ हो सकता है, नौ हो सकता है, दस हो सकता है, बारह हो सकता है, फिर चौदह हो सकता है, ठीक है ना, पंद्रह हो सकता है, अठारह हो सकता है, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी यौगिक संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए यही सारी संख्याओं को हम लोग यौगिक संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम बता चुके हैं, स अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स अभाज्य संख्या मतलब उन, मतलब कि दो प्राकृतिक संख्याओं को, मतलब स अभाज्य कहा जाता है, उन दो प्राकृतिक संख्याओं को स अभाज्य कहा जाता है जिनका क्या हो जाता है हमारा, कि जिनके मतलब कि उभयनिष्ठ भाजक एक हो। जैसे मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं स अभाज्य संख्या में, एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लीजिए दो दे दिया और तीन दे दिया, इसका स अभाज्य संख्या इसको कह सकते हैं। स अभाज्य कैसे, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है, एक। अब देखिए कैसे एक होगा, दो किससे किस गुणनखंड है, एक का और खुद का, मतलब एक और मतलब कि एक दो का, दो का गुणनखंड है, और तीन किसका किसका है, तो एक का और यहाँ पे तीन का, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक है, बाकी ये तो कॉमन कर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सब अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि सब अभाज्य संख्या, जैसे कि दो हो सकता है, तीन हो गया, उसी प्रकार से तीन और चार भी हो सकते हैं, और पाँच और छः हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, एक हो रहा है। जैसे कैसे देख लीजिए, इसका आप कहेंगे कि इसमें तो और भी कॉमन हो जाएगा, तो एक में तो एक हो जाएगा और पाँच हो जाएगा, पाँच का, पाँच का एक और पाँच होगा। फिर उसी प्रकार से छः का निकालेंगे तो एक होगा छः का, फिर दो भी होगा, फिर तीन भी होगा, फिर छः भी होगा। तो इन सब में तो ये मैच नहीं कर रहा ऊपर वाले में ना, कोई भी है क्या, बस मैच कर रहा है एक का, इसका मतलब भी क्या है, स अभाज्य संख्या है। समझ में आ गई ये चीज, तो स अभाज्य संख्याओं को परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया कि उन दो प्राकृतिक संख्याओं को स अभाज्य कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ भाजक सिर्फ एक हो। उभयनिष्ठ भाजक क्या हो, सिर्फ एक हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स अभाज्य संख्या, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों में जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं इसको, उन लोगों को आप शेयर कर दें। मैं फ्री में पढ़ाऊंगा और सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को पेपर से पहले, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, थ्योरी भी दूंगा, ठीक है ना, बहुत सारे, और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का एग्जाम, मतलब जितने भी, मतलब पिछले वर्ष के एग्जाम हुए हैं या मॉडल पेपर हैं, उसके हम सारे एग्जाम्पल का टेस्ट कराएंगे, ठीक है ना, टेस्ट भी करवाएंगे, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रिपेयर, मतलब तैयारी हो सके, अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें आप लोग, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पूर्णांक संख्याएं, मतलब इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। पूर्णांक संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ हों, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर जाता है एक, ये हो जाता है हमारा दो, ये हो जाता है तीन, ये हो जाएगा चार, इधर लेकिन जब जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस एक, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस दो, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस तीन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार। अब जीरो के पीछे जाएंगे तो माइनस में जाते जाएंगे, लेकिन जीरो के आगे जाएंगे तो इधर जाएंगे, जब दाएं साइड जाएंगे तो प्लस में होते जाएगा। तो इसको सिंपल से एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जब भी धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम लोग किधर
जाते हैं, दाई ओर चलते जाते हैं। जैसे एक में एक जुड़ेंगे तो दो दो में एक जुड़ेंगे, तो तीन तीन में एक जुड़ेंगे, तो चार दाई तरफ जाते जा रहे हैं। और जब भी हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम लोग बाई तरफ जाते हैं। जैसे माइनस एक में एक जुड़ेंगे, माइनस एक जुड़ेंगे तो माइनस दो, माइनस दो में माइनस एक जुड़ेंगे तो माइनस तीन, माइनस तीन में माइनस एक जुड़ेंगे तो माइनस चार। इस तरीके से ये ऋणात्मक दिशा में चलते जाते हैं। का मतलब पूर्णांक क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक में बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं जो कि धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं से बस दो ही सवाल पूछते हैं, एक पूछता है हमारा योज प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इन दोनों पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ योज प्रतिलोम, अब देखिए योज प्रतिलोम में जैसे कि कुछ दे दिया, जैसे कि ए का, ठीक ना, ए का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, प्रतिलोम लोम, तो योज प्रतिलोम क्या होगा, जब भी ए का योज प्रतिलोम बोलेगा तो कुछ निश्चित करिएगा माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी दिया हुआ ए दिया हुआ तो ए का माइनस एक हो जाएगा। अगर यहाँ नौ दिया होता तो माइनस का नौ हो जाता, यहाँ पर चार दिया होता तो माइनस का चार हो जाता। उसी प्रकार से अगर माइनस दिया रहेगा, माइनस अगर मान लीजिए ए दे दिया का योज प्रतिलोम, ठीक ना, योग, योग भी बोल सकते हैं, योज भी बोल सकते हैं, योज, ठीक ना, प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, योग दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, योज या योग दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर जब माइनस जब दिया रहेगा तो प्लस लिख देंगे और ये इसका आंसर रहेगा, मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस मान लेंगे, ठीक है ना, ये प्लस ही होता है। जब कोई चिन्ह नहीं है, माइनस का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, मतलब ये प्लस था तो माइनस हो गया, या माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाता है योज प्रतिलोम। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम में जस्ट अपोजिट होता है, इसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए a बाई बी दे दिया, a बाई बी का गुणात्मक प्रतिलोम, a बाई बी का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक, ठीक है ना, प्रतिलोम, प्रतिलोम। तो इसमें क्या करेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम में तो आपको सिर्फ b बाई ए कर देना, ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए जैसे कि इसमें दे दिया माइनस a बटे में हो जाएगा b, यहाँ पे b का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक, ठीक है ना, प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक है ना, लोम। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको माइनस है तो माइनस को माइनस ही रखने दीजिए, बस बी बटे में ए कर लीजिएगा, माइनस वाइस ही रहेगा। तो मतलब गुणात्मक प्रतिलोम में जो चिन्ह है आपका माइनस और प्लस का, इसको चेंज नहीं करते हैं, बस उलट देते हैं। बी बटे में ए बटे में बी है तो बी बटे में ए हो जाएगा, माइनस ए बटे में बी है तो माइनस का ही रहेगा लेकिन बी बटे में ए हो जाएगा। लेकिन योज प्रतिलोम में क्या होता है कि ए का योज प्रतिलोम माइनस ए हो जाता है और माइनस ए का योज प्रतिलोम ए हो जाता है। अब प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि हमने बताया प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के और यहाँ पे नौ तक की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या उससे बनने वाली सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जब यही जीरो जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिल जाता है तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, जो कि कल की क्लास में बता चुके हैं। जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं जाके क्लास देख लें। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस और प्लस दोनों में हो सकती है, इसमें जीरो भी क्या होता है, शामिल होता है। तो लिख सकते हैं कि जीरो यहाँ पे एक दो तीन, ठीक ना, तीन चार, या फिर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ठीक है, माइनस चार, इस तरीके से सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं जीरो एक दो तीन, यहाँ पे हो जाएगा चार, ठीक है ना, तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, इस तरीके से चलती संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक दो तीन, ठीक है ना, चार पाँच, ठीक है, छः सात, ठीक है, और आठ नौ, ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले कुछ संख्याएं हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नौवां दिया हुआ है कि परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे सारी संख्याएं जो p बटे q के रूप में रहेंगी वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी मतलब कि परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जो भी p बटे q के रूप में रहेगा प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, बस q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ दे दिया एक बट्टे में दो, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर बोल देगा पांच, क्या परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि इसके नीचे एक होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बस ये जो q है ना, जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ये जीरो नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए पांच दे दिया, पांच के नीचे जीरो दे दिएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर बोल दिया यहाँ पे परिमेय संख्या है कि नहीं, मतलब कि यहाँ पे q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये क्या लिखेंगे, नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे p बटे में q अगर कोई भी नंबर दे देता है, यहाँ पे तीन बटे में पांच दे दिया, सात दे दिया, कुछ भी, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना है।
जैसे दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है वो याद रखना पड़ेगा। जैसे दो संख्याएं दे दी, दो संख्याएं मतलब तीन दे दिया, चार दे दिया, इनके बीच का परिमेय संख्या, या फिर मान लीजिए ए दे दिया और बी दे दिया, समझिएगा बात को, ए और बी दे दिया, इनके बीच का परिमेय संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एक बट्टे में दो कोष्टक में ए और प्लस बी मतलब पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या और गुणे क्या हो जाएगा हमारा एक बट्टे में दो, ठीक है ना, ये हो जाता है हमारा बीच की संख्या निकालने के लिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे दे दिया कोई भी सवाल करने के लिए कि आपके इसके बीच के परिमेय संख्या निकालनी है, जैसे दे दिया आपका तीन बट्टे में दस, यहाँ पे दे दिया तीन बट्टे में दस और दे दिया, और यहाँ पे दे दिया आपका यहाँ पे सात बट्टे में दस और यहाँ पे हो जाएगा सात बट्टे में दस के बीच का परिमेय संख्या, के बीच परिमेय संख्या, के बीच परिमेय संख्या, परिमेय ठीक ना संख्या, तो संख्या आप लिखिएगा परिमेय संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना, ए इसको मान लीजिएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये आपका सूत्र है आपका, तो सूत्र याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक बट्टे में दो कोष्टक में तीन बट्टे में दस और यहाँ पे प्लस यहाँ पे सात बट्टे में दस और इन सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जब जोड़ के निकालेंगे आप तो यहाँ पे एक बट्टे में दो और कोष्टक में हो जाएगा हमारा तीन और दस, दोनों का हर बराबर है मतलब यहाँ पे हो जाएगा दस और तीन और सात दोनों मिला कितना हो जाएगा दस, जब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एक, मतलब एक बट्टे में दो गुणे यहाँ पे जाएगा एक बराबर क्या हो जाएगा एक बट्टे में दो, तो जो इसकी परिमेय संख्या है बीच की संख्या आएगी वो हो जाएगी एक बट्टे में दो। परिमेय संख्या वे संख्या है जिनका अंडर रूट से बाहर न निकल पाती हूँ, ठीक है ना, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देगा हमारा अंडर रूट में दो, अंडर रूट में हो जाएगा तीन, अंडर रूट में हो जाएगा हमारा चार, अंडर रूट में चार नहीं अंडर रूट में पांच, क्योंकि चार अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा दो गुणे दो करके, ठीक है ना, फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा छः, फिर एक बट्टे में अंडर रूट में यहाँ पे जाएगा दो, या फिर कॉमन लगा के यहाँ पे जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे जाएगा चार बट्टे में पांच, चार तो निकल जाएगा लेकिन पांच नहीं निकल पाएगा, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। इसके बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आप कि जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो संख्या क्या हो सकती है हमारी अपरिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है ना, उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अंडर रूट में अगर तीन की बात करा जाए तो अंडर रूट में तीन का जो मान होता है वो 1.73 यहाँ पर जाएगा 2.0508 इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसी प्रकार से अंडर रूट में अगर पांच की बात किया जाए तो अंडर रूट में पांच का मान हो जाएगा 1.23608 ठीक है ना, फिर जीरो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये सभी संख्याएं जो कि चलता रहेगा रुकेगा नहीं, तो ये सभी संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी कुछ सवाल पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही जल्दी से और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि -6/11 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। अभी मैं बताया हूँ योज प्रतिलोम के बारे में, जब भी योज प्रतिलोम में माइनस होता है प्लस हो जाता है, बाकी सब सेम रह जाता है। तो -6/11 दिया है तो -6 का +6 हो जाएगा, तो +6/11 यहाँ पे दे रहा है, यहाँ तो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे 3/11 ये तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। देखिए अभी सवाल बताने से कितना जल्दी आप इस सवाल को कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या बताए थे, चिन्ह से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब ये 5/8 है तो 8/5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5/8 दिया ये नहीं होगा, ये भी -5/8 सेम दे दिया ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 8/5 दिया लेकिन माइनस का चिन्ह हटा दिया तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अभी जब लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वीडियो करके पूरे परिभाषा देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार और कि जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे वीडियो देख ले, ठीक है ना, ताकि उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल दिया होगा -1 और -1/2 के ठीक बीच का परिमेय संख्या निकालिए। तो ठीक बीच के परिमेय संख्या निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि 1/2 यही बताया था ना, 1/2 यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1/2 कोष्टक में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या -1 है प्लस दूसरी संख्या क्या हो जाएगी -1/2। अब इसको कॉमा लगा देंगे इस तरीके से, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा -1 और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -1/2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा गुणे माइनस यहाँ पे 3/2 कितना हो जाएगा हमारा 3/2 -3/2 दोनों को जोड़ेंगे तो -3/2 -3/2। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/4 -3/4 क्योंकि 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 वो भी माइनस में प्लस का गुणा करेंगे माइनस 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 -3/2 कितना हो जाएगा 4 ये हमारा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा। आप चाहें तो माइनस वाला हटा भी सकते हैं, मैं माइनस वाला थोड़ा बड़ा ले लिया हूँ, अभी इस सवाल में प्लस वाले से ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इस सवाल में प्लस वाले से करेंगे, जो भी आंसर आएगा देख लिया जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन हम एक बढ़ा देंगे, ठीक है।
इसका जो ऑप्शन होगा माइनस तीन बटे में चार, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए चौथा सवाल दिया हुआ कि तीन और चार के बीच के ठीक बीच के परिमेय संख्या, तो तीन और चार के ठीक बीच का परिमेय संख्या क्या सूत्र लगाएंगे आप परिमेय संख्या के लिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, एक बट्टे में दो और क्वेश्चन में ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे ए इसको बी दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब तीन और प्लस यहाँ पे जाएगा चार, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक बट्टे में दो और तीन चार सात हो जाएगा, तो गुणे क्या हो जाएगा सात, सात में एक का गुणा हो जाएगा सात और बट्टे में कितना हो जाएगा दो, मतलब सात बट्टे में दो इसका आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो इसका बोलेगा ठीक बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा सात बट्टे में दो, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वैसे करते तो हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाता हमारा ए हो जाता। लेकिन अब देखिए हम लोग पांचवा सवाल बोला है एक से पचास तक के बीच की, ठीक ना, बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, हमने कल ही बताया था इस सवाल के बारे में कि अभाज्य संख्याओं को हम गिनवाए थे भी, एक से सौ तक के बाद सभी अभाज्य संख्याओं को लिखवाए थे, तो उसमें एक से पचास तक के बीच में अभाज्य संख्याओं को गिनवाए थे तो कितना आया था पचास। आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर जाके मेरी वीडियो को पुराना देख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब पीछे की वीडियो देखेंगे तो आप लोग को आंसर ऑटोमेटिकली ऐसे पेपर में भी मिलेगा, आप बस जाएंगे देखेंगे और सवाल का आंसर लगा लेंगे, ठीक है ना। तो मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सवाल समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।